आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। वल्लभ गार्डन में क्षतिग्रस्त पुलिया का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, कहा भूमि निरीक्षण के पश्चात ही जो है वो खंभे खड़े किए जाए। देहात कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग में डेटा हुए दुगुरु, कहा कि कांग्रेस की नई पीडीपी जन जन तक पहुंची। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्काउट और गाइड ने निकाली साइकिल रैली और दिया जागरूकता का संदेश। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती, उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान। युवाओं के 12 प्रकल्पों पर काम करेगा निर्विकल्प, एमडीएस के कुलपति ने ब्रोशर का किया लोका। मकर संक्रांति के मौके पर प्रेम स्थान भंडार पर मिलेंगे सस्ते विवर और फ्री व अन्य व्यवस्था। पत्र शिक्षा विभाग में डीपीसी का हुआ विरोध, कहा नियम विरुद्ध हुई है थी। प्रियंका गांधी जागृति अभियान की ओर से अनेक सामाजिक संस्थाओं का हुआ सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के वल्लभ गार्डन में पुल के नीचे जो खंभे बने हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और इस वजह से पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था। गौरतलब है इसके नीचे से सीवर लाइन डाली जा रही है। यहां पर इस क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया। निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने दोनों ही विभागों के अभियंताओं को वहां पर बुला करके और मुआयना करवाया। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये सीवरेज का काम चल रहा है तब तक यहां पर लगातार जो है वो मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि इसका एक पूरा तकनीक बना करके भी पेश किया जाए। गौरतलब है कि वल्लभ गार्डन स्थित पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद में यहाँ आवाजाही को लेकर के लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो सीवरेज डाली जा रही है उसे पुल के नीचे से कितनी सावधानी पूर्वक निकाला जाए और किस तरीके से निकाला जाए इस बात को लेकर के भी यहाँ यूआईटी के सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित मौजूद थे। वहीं निगम के अधीक्षण अभियंता भी यहाँ मौजूद रहे। उन दोनों को बुला करके जिला कलेक्टर अमित मेहता ने समझाइश की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पुली के निरीक्षण के कुछ संभावित अंश। थोड़ा सा पार्थ थोड़े ठीक है सही। प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे करने के पश्चात देहात कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पहुंचे और कार्यकर्ता भी पहुंचे। वहां पहुंच करके एक बैठक का आयोजन रखा गया जिनमें देश भर में कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। गौरतलब है कि जहां आम आदमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कांग्रेस सरकार काम कर रही है, वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भी आमजन तक कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना होगा। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद थे। वहीं नसीमा अख्तर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रही। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान महिला कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नसीम अख्तर का सम्मान और अभिनंदन भी किया। उसके खिलाफ वोट जो काम नहीं करता उसके खिलाफ क्या बोले। ठंड में हम घर से निकलने से पहले सोचते हैं हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं इतनी ठंड, और हमारा किसान टेंट टांग के तंबुओं में बैठा है, ये तो उनको शुद्ध लेनी चाहिए। इस मौके पर हमने बातचीत की नसीम अख्तर से। संभाग में बहुत जगह चुनाव, चाहे पीली भंगा ले लो, रावसर ले लो, भादरा, सब जगह चुनाव है, तो चुनाव की तैयारी भी चल रही है।
और साथ ही साथ 15 जनवरी को भी बात करेंगे संगठन को मजबूती कैसे प्रदान करें, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जब संगठन में हम लोगों को जिम्मेदारी दिए तो हमारा फर्ज बनता है कि संगठन में और मजबूती प्रदान करें, संगठन के लोगों से ज्यादा और जोड़ें, संगठन को मजबूती प्रदान जब होगी, जब सरकार की योजनाएं हैं, कांग्रेस की सरकार ने जितनी भी आज तक 2 साल में बेमिसाल काम किया, उस काम को हम आम जनता तक लेकर जाएं, अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति को उस योजना का लाभ पहुंचाएं, इसके लिए भी हमें काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ें, क्योंकि अभी जिला इकाइयाँ भी बनेंगी, ब्लॉक भी बनेंगे और हम तो सबकी सहमति से हम सबसे लोगों से मिले। वही हमने बातचीत की उच्च शिक्षा मंत्री बाबा सिंह भाटी से। क्या चुनाव और पंचायत चुनाव को देखे तो नगरीय निकायों के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला और पंचायत चुनाव में भी मिला जुला परिणाम रहा है। जहाँ तक बीकानेर जिले की बात है तो बीकानेर में हमारे जिला प्रमुख कांग्रेस के निर्विरोध बने और पंचायत समितियां भी अधिकतर कांग्रेस की बनी है, तो निश्चित रूप से बीकानेर जिले में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। 3 नगरपालिकाओं के चुनाव होने, इन तीनों ही नगरपालिकाओं में कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी और पूरे राजस्थान में भी जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं तो राजस्थान के सरकार के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो पिछले 2 सालों में काम किए गए हैं उन कामों को आज जनता समझ रही है और केंद्र सरकार जो किसानों के विरोध में जो बिल लेकर के आई है तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि कौन सी पार्टी किसानों की हितैषी है, कौन सी पार्टी विकास करने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कोविड के दौरान जो काम किया गया और पिछले 2 सालों में हमने जो वायदे जनता से किए थे उनको पूरे किए हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी और हम सभी जगह कांग्रेस पार्टी के जो सभापति है अध्यक्ष हैं जीतेंगे और आने वाले 3 सालों में हम राजस्थान के लोगों का काम। स्वामी विवेकानंद युवाओं के पथ प्रदर्शक, उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी 158वीं जयंती राष्ट्र दिवस के रूप में मनाई गई। बीकानेर में स्काउट गाइड ने एक साइकिल रैली निकाल करके और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व की न केवल चर्चा की बल्कि उनके आदर्शों को आम जन तक पहुंचाने और जन जागरूकता का संदेश दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं स्काउट और गाइड इस रैली के संपादित अंश। मौके पर हमने डॉक्टर बी एस आचार्य से की बातचीत। जो विवेकानंद जी के आदर्शों के अनुरूप पूरी भारत सरकार और राजस्थान सरकार मना रही है, इस युवा दिवस पर भारत स्काउट एंड गाइड बीकानेर के सौजन्य से 25 रोवर्स और रेंजर्स जो है बच्चे जो 18 से लेकर ऊपर की आयु के हैं उनकी एक युवा रैली यहाँ आयोजित की जा रही है। फिट इंडिया के नाम से भारत सरकार की जो योजना है उसके तहत आज का दिवस जो पूरे विश्व में युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो विवेकानंद जी के आदर्शों को अपनाने के लिए और बच्चों में प्रेरणा भरने के लिए हमने ये भारत स्काउट गाइड के माध्यम से रैली की है और इस रैली में हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार की रैली आयोजित करके और हम राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपेक्षित सहयोग देने। स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती को राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया गया। अनेक समाज संस्थाओं के द्वारा और अनेक स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा भी खासतौर से जो है वो स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाया गया। कुल मिलाकर के स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को आत्मसात करने की बात की गई साधन सिंह सर्कल के पास में स्थित विवेकानंद वाटिका में, जहां विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। वहीं बीकानेर नगर निगम की महापौर सुशीला कंवर भी इस मौके पर पहुंच करके उन्होंने विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लेने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि विवेकानंद के बताए मार्ग पर चल करके ही हम राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता को निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे सही अर्थों में युवाओं के आदर्श थे। उत्साह, जोश, तार्किकता और राष्ट्र प्रेम और उसके अलावा सनातन संस्कृति के संरक्षक के तौर पर भी विवेकानंद को माना जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विवेकानंद वाटिका में उनकी 158वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र युवा दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर हमने बातचीत की हमारी मेयर सुशीला कंवर से। जयंती भी है तो पहले तो उनको नमन, साथ ही आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और स्वामी जी ने यही कहा है कि युवाओं में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है,
उनको ये उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा भी है उनके सिद्धांतों में कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य न मिल जाए। तो मैं सभी युवाओं से और साथ में अपने आप से भी यही कहूँगी कि हम भी ऐसे ही स्वामी जी के सिद्धांतों पर चलेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाए। युवा दिवस के मौके पर और विवेकानंद की जयंती के मौके पर ही युवाओं के 12 प्रकल्पों का एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिनमें यूथ अवेयरनेस और डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति विनोद कुमार सिंह ने किए। इस मौके पर डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर विठल बिस्सा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के समन्वयक स्वाति पवार ने जानकारी देते बताया कि पूरे वर्ष जो है वो युवाओं के लिए 12 प्रकल्पों पर यह फाउंडेशन काम करेगा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उन तमाम आदर्शों को युवाओं में प्रेषित करने का एक संकल्प जो है वो फाउंडेशन ने लिया है। लिहाजा इस प्रकल्प की शुरुआत जो है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति विनोद कुमार सिंह ने एक पोस्टर ब्रोशर के लोकार्पण के साथ में की। दिखाते हैं आपको उसके संपादित अंश। निर्विकल्प फाउंडेशन द्वारा यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम जो संपूर्ण वर्ष भर चलेगा उसकी सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। इस मौके पर हमने डिप्टी रजिस्ट्रार MGS डॉक्टर विठल बिस्सा से भी की बातचीत। फाउंडेशन द्वारा यूथ के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है उसके लिए मैं इस संस्था से जुड़े हुए सभी साथियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये कार्यक्रम यूथ के लिए एक अच्छा और प्रेरणादायी कार्यक्रम साबित हो ऐसी मंगल कामनाएं करता हूं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं। छोटा सा ब्रेक। ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ रिश्ते बनाओ चाहे मीठा या नमकीन अरे राजभोग या कोई मिठाई सोन पापड़ी क्या बात है भाई अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का बीका राम जान वाले है स्वाद बीकानेर का स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchanmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230। विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुकम। अरे आइए आइए घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगे प्रेम जी अग्रवाल के भुजिये? क्यों नहीं हुकम, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। एक बात, एक बात फिर आपका स्वागत। नगर सेठ कहे जाने वाले लक्ष्मीनाथ मंदिर में पौष महीने के साथ ही जहां दान पुण्य के आयोजन हो रहे वहीं लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में दूध फीनी का वितरण किया गया। यहां पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को दूध और फीनी का प्रसाद जो है वो वितरित किया गया। दिखाते हैं उसके संपादित अंश। मकर संक्रांति के मौके पर ही आम लोगों को तिल के बने उत्पाद सस्ते दामों में मिले और फीनी और घेवर भी सस्ते दामों में मिले, इसके लिए रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्रेम स्थान भंडार के जो संचालक हैं वेद अग्रवाल, उन्होंने अब तक को जानकारी बताया कि वे सस्ते दामों में घेवर फीनी और गजक के अलावा तिल से बने उत्पाद जो है वो जितने भी उनके उपभोक्ता हैं और जो ग्राहक उनको उपलब्ध कराएंगे, इस बात की जानकारी वेद अग्रवाल ने अब तक को दी। हमने उनसे की खास बातचीत।
मकर संक्रांति के ऊपर देशवासियों को बीकानेर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति कोरोना काल के बाद पूरे बीकानेर शहरवासियों के लिए खुशी का संदेश लेके आया और आगे का जीवन सुगम सुलभ एवं स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक रहे, ये हमारी मंगल कामना है। अभी फर्क पड़ रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं घर से, पहले डर रहे थे लोग बाहर आने से, डर रहे थे, घबरा रहे थे बीमारी से, अब बीमारी खत्म होती जा रही है, वैसे लोग बाहर आ रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि मकर संक्रांति पिछले कई त्योहारों से अच्छी जाएगी। मिष्ठान भंडार ने घेवर, देसी घी के, वनस्पति घी के, रबड़ी घेवर, आपके फिणी और तिल के लड्डू, तिल की गजक वगैरह का विशेष प्रबंध किया है उचित दामों के ऊपर। प्रदेश की उच्च शिक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज की कई व्याख्याताओं ने जो है वो एक ज्ञापन दिया। यहाँ उन्होंने डॉक्टर राकेश से मुलाकात करते हुए तकरीबन 200 वरिष्ठ जो कॉलेज की व्याख्याता है उनको वरिष्ठ घोषित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 96 में जो लगे हुए लोग हैं उनको लेकर के पहले एक अंतरिम सूची जो है वो जारी की जा चुकी है और अब तकरीबन 200 कॉलेज शिक्षकों और व्याख्याताओं को जो है वो वरिष्ठ बना दिए हैं, जिस बात का उन्होंने जबरदस्त विरोध भी किया। उन्होंने इसमें धांधली का आरोप भी, उच्च अधिकारियों की मेरी भगत का आरोप भी लगाया। मौके पर हमने बातचीत की डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित। बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वर्ष 1995 में राज्य सरकार ने 500 व्याख्याताओं को जो स्क्रीन कमेटी द्वारा चयनित किया था, उसके पश्चात 2011, 2017 इवन 23 सितंबर 20 तक सूचियां जारी होती रही वरिष्ठता की, हर सूची के अंदर हमें ऊपर रखा गया था। चूंकि अब प्राचार्य की डीपीसी होनी है और आप सभी जानते हैं लगभग 477 पदों पर पदोन्नति होनी है प्रोफेसर के पद पर, इसे कतिपय कुछ अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को ऊपर करने के लिए मिली भगत से हम सबको नीचे कर दिया और जिन कार्मिकों ने 25 साल तक लिस्ट बनाई थी एक एक नियम का, हमारे नियम 1986 है उसका भाग 33 है, उसके अनुसार हमारी सूचना बनती आई है, लेकिन इन्होंने हमको 200 नाम ऊपर हो गया। इवन महाविद्यालय में जो हमसे बहुत जूनियर थे उन सबको ऊपर कर दिया गया, नियम का उल्लंघन किया गया है। हम शनिवार को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी से मिले थे, भाटी जी ने भी इसमें कहा कि इसमें कोई ना कोई कार्यवाही करेंगे, डॉक्टर बी डी कला साहब से मिले थे और रविवार को जयपुर में देराश्री शिक्षक सदन में करीब सैकड़ों व्याख्याताएं, सैकड़ों आचार्य, सहायक आचार्य सब एकत्रित हुए थे। हमने भी वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमारी ये मांग है कि जो ये उल्लंघन किया है नियमों का, जो षड्यंत्र रचा गया है, इस सूची को रद्द किया जावे और नई सूची जो 25 साल से चली आ रही है उसी सूची को वापस लागू किया जावे, अन्यथा जब तक नहीं करेंगे मजबूर होकर पूरे प्रदेश के सैकड़ों व्याख्याताओं को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, राजकोष से बाहर पड़ेगा। मैं अपील करता हूँ आयुक्तालय से उस संदर्भ में, हमारे डॉक्टर राकेश जी हर्ष जो सहायक निदेशक है, आयुक्तालय के प्रतिनिधि है, आज हम उनको ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी आवाज बुलंदीपूर्वक ऊपर तक पहुंचाए ताकि आयुक्तालय पता लगे कि पूरे बीकानेर की लक्ष्मी हेरिटेज में प्रियंका गांधी सद्भावना जागृति संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें खास तौर से पूरे देश में जो सामाजिक सद्भाव को कायम करने वाली संस्थाएं हैं ऐसी संस्थाओं का सम्मान और अभिनंदन किया गया। प्रियंका गांधी सद्भावना जागृति संस्थान की वीरेंद्र के राणू ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में जो अराजकता का माहौल है इसे दूर करने के लिए प्रियंका गांधी सद्भावना जागृति संस्थान काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्राथमिक तौर पर देश की एकता, अखंडता और उसकी अक्षुण्णता के लिए काम करेगी। युवा पत्रकार श्यामलाल जी रंगा सिंह के आग्रह की हुई व्यक्ति थी, इस मौके पर हमने बातचीत की वीरेंद्र किराड़ो से। आज के दिवस पर प्रियंका गांधी जागृत भारत नाम की संस्था का गठन इस बीकानेर की गंगा जमुना सरस्वती एक आगे जाके राष्ट्र के लिए धर्मनिरपेक्षता का फिर से परचम लहराए, एक धर्म के नाम पे इस राष्ट्र पे कोई कार्य ना हो, धर्मनिरपेक्षता सब धर्मों का सम्मान करते हुए ये कार्य की शुरुआत युवाओं में हम इसी बात का प्रचार प्रसार करेंगे। इस संस्था के माध्यम से हम विवेकानंद जी के बारे में आम युवाओं को और जागृत करेंगे और हमारे इस शहर से हम एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि भारतवर्ष में आज भी बीकानेर शहर जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष शहर है, यहाँ के सब धर्मों का कौन कायदा एक है,
भाईचारे का जो सबसे बड़ा मिसाल है इस भारत की धरती पे, मैं कहता हूँ के बीकानेर शहर। देहात कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग में डेटा हुए दुगुरु, कहा कि कांग्रेस की नीति नीति जन जन तक पहुंची। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्काउट ग्रुप गाइड ने निकाली साइकिल रैली और दिया जागरूकता का संदेश। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती, उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान। युवाओं के 12 प्रकल्पों पर काम करेगा निर्विकल्प, एमडीएस के कुलपति ने ब्रोशर का किया लोकार्पण। मकर संक्रांति के मौके पर तीन स्थान धंधा पर मिलेंगे सस्ते ग्रेवर और क्रीम व अन्य व्यवस्था। पत्र शिक्षा विभाग में डीपीसी का हुआ विरोध, कहा नियम विरुद्ध हुई है थी। प्रियंका गांधी जागृति अभियान की ओर से अनेक सामाजिक संस्थाओं का हुआ सम्मान। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।